वगैरह की जो भी जरूरी कागजात है वो हम निकाल दें, उसके बाद आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। डेटा अगर आरटीआई वगैरह चले गए बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा लेने के लिए, लेकिन अगर हम जेल भी सुप्रिंटेंडेंट को लेकर एक्सेप्ट हो जाता है 1-3 मंथ और इन 15 डेज, कितने सारे हैं कि जो छोटे छोटे केसेस में हैं उनके लिए भी ये होती है कि जेल में ओवर क्राउडेड हो जाए, छोटे छोटे केसेस में जो कि आसानी से देर हो जाए ऐसे बहुत सारे लोग, अगर डेटा हम जेल में जा करके अगर मिल सके हमको तो आसानी से उनकी हम मदद कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। गिरिडीह में एचआरएम ठीक है एचआरएम का कार्यक्रम वहाँ चल रहा और संगठन वहाँ मजबूत है। इनका जीता जाता उदाहरण धनंजय राजा जी है, रजनी सौरभ जी है, जो आपका पार्श्वनाथ के तलहटी में हम लोग गए थे, उसके अलावा भी हम लोग तो आपके सोनिया देवी दिलीप सिंह का कार्यक्रम में भी हम लोग घटनास्थल पर गए। एक और आपका दिल्ली में वो कार्यक्रम हम लोग गए, कार्यक्रम ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के माध्यम से ही हो रहा सारा काम। उसके अलावा वहाँ पर जो पिछले वहाँ पर जो प्रभारी थे अमर जी से पहले भी कहा गया था कि जो आप मदद कर रहे हो उससे गरीब लोगों को दलित एसटी लोगों का डॉक्यूमेंट्स आप लाइए, प्रयास करेंगे कि कुछ आपको वहाँ न्याय दिलाने में जो खर्च हो पाए हम दिलाने का प्रयास करें। मैंने लाके दिया भी सारा फॉरोशीट एफआईआर का सर्टिफाइड कॉपी डायरी और वगैरह वगैरह सारा कुछ दिया, लेकिन आज तक उस काफी नहीं हो पाया। आप फिर आश्वासन मुझे मिल रहा है यहाँ से निश्चित रूप से एक अभी सारा के डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, एफआईआर लाया हूँ, चार्जशीट लाया हूँ, फॉरोशीट में लाया हूँ, सारा चीफ जस्टिस से मिलाया हूँ, आपका दिलीप सिंह भट्ट और सोनिया देवी का दिलीप सिंह का। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ हाईकोर्ट में भी और इसकी पूर्ति हम लोग शाम को अपना और हस्बैंड वाइफ ट्यूशन प्राप्त के घर में भी हम लोग करते हैं ऐसा, और कोई कर रहे हैं अगर यहाँ से भी मदद मिल जाए तो हमारे संजीव और भूति के समान हमारे। हाँ पहले मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं नाम रेणु वर्मा भी बोलता हूँ, मैं गिरिडीह से आ रही हूँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि गरीब जो पीएलएस बना हुआ है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसके तहत से मैं काम उसके अंतर्गत मैं काम कर रही हूँ लायक के रूप में, तो इससे गरीब लोगों का जो भी मामला है क्या हम उसको विचार के तहत ला सकते हैं या नहीं? मैडम बात ऐसा है, अगर डीएलएसए ठीक से काम हो रहा है ना, डीएलएसए के अंदर अगर ठीक से काम हो रहा है तो डीएलएसए में करते रहना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डीएलएसए के पास पैसा है ना। नहीं सर, पूरा केस डिस्पोजल होने के बाद 500 रूपए मात्र मिलते हैं, और एक केस डिस्पोजल होने में 4-5 साल लग जाते हैं। तो जब जज साहब था तो बोलना चाहिए था, वो कितना प्रशंसा किया डीएलएसए पूरा केस खत्म होने के बाद 500 रूपया, ये तो गुलामी जैसा है। लेकिन कहना है तो गरीबों की मदद करने के लिए भी किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, एक मैं एक शरीर भी जानना चाहती हूँ कि वो लोग जो है जैसे एक्यूज है उनका केस यहाँ आपके द्वारा हो सकता है ना? देखो मैडम हम लोग थोड़ा सोचेंगे इसका, हमारा संस्था का काम है इस तरह का केसेस करना, जेल में मत जाना। नहीं नहीं मैडम, आपका प्रश्न था गरीबों का केसेस एचआरएलएन करने के लिए तैयार है, हम लोग करने के लिए तैयार है 100% करने के लिए। आप कितना बोला कि इतना अच्छा डीएलएसए है, अब चुपचाप बैठा, कोई बोला नहीं, क्या है जज साहब के सामने सबका जीव चला जाता है, बोलने का क्षमता ही नहीं होता है। जो बोलेगा हटा दे, ठीक है मैडम, समय आ गया सीधी सीधी बात करने का। हम लोग क्या है इस स्थिति में है क्योंकि हमने ये लोगों का बड़े बड़े बात सुनते रहा और उसका प्रशंसा की, उसका ऐसा किया, नमस्कार किया वगैरह, अभी वो समय चला गया, हम फाइटिंग करेगा
आगे चला जाएगा। मेरा सुझाव है जो भी दौरे होते हैं उसका कम से कम नाम और नंबर जेल के सामने में लगा होना चाहिए कि लोग उससे कांटेक्ट करें। दूसरी बात है कि ये जो है, ये इसको गांव गांव तक पहुंचाने के लिए कम से कम वोटिंग लगा होना चाहिए ताकि लोग देखें समझे कि हाँ हमको इस तरह से मदद मिल सकती है। दूसरे है कि पूरे प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय में भी दिया जाना चाहिए उस वकील का नाम कॉन्टेक्ट नंबर साथ में ये ह्यूमन राइट नेटवर्क का रिपोर्टिंग करना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि हम बिहार में काम होगा हम इससे कॉन्टेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी कार्ड के ये बुनियादी बात है। दूसरी बात है कि अभी पंचायती राज हो गई है पंचायत के सदस्यों से भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है डीएलएस से भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। इससे अगर कोई कहे हमको कि नहीं आप 45 किलोमीटर जाकर फाइटिंग करो तो धंधा पानी छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है। हर आदमी को अपना जीविका चाहिए इसलिए लोकल नेटवर्क भी होना चाहिए। तो हालत में वहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम से कम फोन में कॉन्टेक्ट करके बतला सकते हैं फैक्ट फाइंडिंग बाद में किया जा सकता है। अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग करना है फैक्ट फाइंडिंग अगर करना है दूर जाना है आपका समय मुफ्त में खर्चा हमारा आने जाने का रिपोर्ट लिखने का छपने का ठीक है नहीं, वो तो बात सही है हाँ। जो कह रहे हैं वो बात सही है हाँ। लेकिन इतना इंटीरियर जगह होता है कि सेम प्लेस में जाके लौट पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। भाई साहब आप तो मुफ्त में टाइम लेते हो ना आप टाइम निकाल के कर रहे हो तो हमारे संस्था के तरफ से जो खर्चा होता है दूर 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 जाने का नजदीक तो अलग बात है दूर जाने का है उधर 3-4 दिन रहने का है 2 दिन रहने का है सबका स्टेटमेंट लेने का है मैसेकर हो गया फेक इनकाउंटर हो गया फोटो निकालना है रिपोर्ट छपना है हम लोग संभालेगा सपोर्ट करेगा ठीक है साहब ठीक है। लेकिन जैसे इसने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घटना गति तुरंत वहां पहुंचना 2-3 लोगों को लेना बस में जाना ऐसा जाना उधर जाना दूर जाना फोटोग्राफ निकालना लोगों का स्टेटमेंट लेना तुरंत जाना बहुत जरूरी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाने के बाद तुरंत हाई कोर्ट में जाना ठीक है ना। ये ह्यूमन राइट्स हम लोग इस बैनर के तले काम कर रहे हैं सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि ये फलाना आदमी ये काम करता है किस बात की जानकारी आप लोगों तक होनी चाहिए और वो जानकारी देने के लिए वो कॉम्प्लेट हो या विजिटिंग हो या मेरे त्योहार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जमीनी लेवल पर जाके करनी चाहिए ठीक है। एक पहले तो अपने सबसे वहाँ पे ऐसा पर्सनली नहीं सिर्फ इसके कार्यकर्ता के रूप में होनी चाहिए और ये यकीन दिलाना चाहिए कि भाई अगर वो वकील जो टीम लगवाता रहता है फीस के लिए उससे हट कर कोई ऐसा शख्स भी है जो आपकी फ्री में केस लाने के लिए आया है और आपकी जीत में करने जी जी तो वो चाहे जिसकी तरह से करनी पड़े वो करे। और दूसरी चीज एक छोटी सी प्रैक्टिकल वाली मेरे सुझाव होगी पसंद हो गया तो आप लोग उसको अपने कार्य रूप में लागू करें कि जहाँ पे भी जितने सारे भी हमारे यहाँ पे एडवोकेट्स हैं तो जहाँ भी बैठकर लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे एक छोटा सा एक लगा लें कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए किसी पोजिशन के लिए आप हमें निःशुल्क यहाँ पे परामर्श भी करके अथवा संपर्क कर सकते हैं वहाँ आपका बकायदा नाम हो फोन नंबर हो उसके बाद यहाँ जो आप जो हेड पर्सनैलिटीज नेटवर्क से जुड़े हुए उनका भी नाम और नंबर हो बाकी अगर परिचय चाहेंगे आप वहाँ देने के लिए कह रहे हैं लेकिन उसकी वहाँ पे सारी डिटेल होनी चाहिए। ये हम लोग छोड़ा है कि अपने डेली प्रैक्टिस में लागू कर सकते हैं उसके बाद बाकी जो दूसरे ग्रुप में जाना है उसके लिए तो बाकी सभी हम जानते हैं कि जब जाना है कैंपेनिंग करनी है जो उसमें हमारे पार्टिसिपेशन आना चाहिए। मेरा ये सजेशन है कि जैसे हम लोग रिमोट एरिया विजिट करते हैं या फिर कोई फैक्ट फाइंडिंग इसमें जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे लोगों ट्राइबल को या फिर जो रिमोट एरिया में रहते हैं आइडेंटिफाई करें जो काफ़ी एक्टिव होते हैं वो लोगों को हम लोग एक डाटा बेस कलेक्ट करें कि वो लोग उस एरिया में कुछ भी हो हम लोग अपना नंबर भी दें आप उनका नंबर दें। और बहुत सारा ऐसा केसेस होता है जो कि मीडिया में नहीं आता है वहीं पर रह जाता है पुलिस दबा देता है या फिर किसी और कारण से तो ऐसा एक नेटवर्क रहेगा पारा जी का तो वो डायरेक्ट हमको कांटेक्ट करेंगे और हम लोग वहाँ विजिट करते हैं।